हेलो गाइस, दिस इज सचिन चौहान एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस, आ गया है सेकंड रिव्यू सेशन और गाइस ये बहुत बहुत अच्छी एंट्रीज आई हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपने इतनी सारी एंट्रीज मुझे भेजी। सो गाइस, मैं क्लियर कर देता हूँ पहले ही, इस वीडियो में सिर्फ 10 फोटोग्राफर की 10 एंट्रीज को रिव्यू किया जाएगा। सो बेसिकली अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि जब मैं सिर्फ 10 फोटोग्राफर की 10 एंट्रीज रिव्यू कर रहा हूँ तो मैं हर फोटोग्राफर की 5-5 फोटोग्राफ क्यों मंगवाता हूँ। सो गाइज, मैं ये आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैं किसी भी फोटोग्राफर को एक फोटोग्राफ के ऊपर जज नहीं करता। मैं उसकी 5 फोटोग्राफ देखता हूँ और उसका माइंडसेट जानने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ उस फोटोग्राफर को। तो इस सेशन में 10 फोटोग्राफर की 10 फोटोग्राफ जो है वो रिव्यू होने वाली है। सो गाइज, ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। गाइज, अगर आपकी फोटोग्राफ सेलेक्ट हुई है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप YouTube मेरी वीडियो में से उस पोर्शन को कट करके अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे मुझे मेंशन कर सकते हैं ताकि मैं आपकी प्रॉपर पूरी प्रोफाइल जो है वो देख पाऊँ। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो विदाउट टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, अभी आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये जो सबसे पहली फोटोग्राफ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये फोटोग्राफ है आदित्य सिंह की मुंबई से। सो इसे फुल साइज करते हैं बेसिकली पहले तो। ओके, सो इसमें इतना ब्लैक है कि पता ही नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है कि पूरी स्क्रीन पे ये फोटोग्राफ है। सो बेसिकली टू बी ऑनेस्ट, आदित्य मैं बहुत ही जेन्युइन फीडबैक देने वाला हूँ। ब्रदर, इट्स नॉट वर्क फॉर मी, इट्स ए गुड वन। मैंने देखा है इस तरीके की इमेजेस बहुत सारी और बहुत सारे बंदे इस तरीके से जस्टापोजिशन करते हुए इस तरीके की फोटोग्राफ। तुमने ट्राई बहुत ज़्यादा अच्छा किया है बट मैं बोलूँगा कि यहाँ पे तुम सक्सेसफुल नहीं हुए हो। और मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम आँखों को एकदम चुभ रही है। यहाँ पे ये जो आदित्य, तुमने यहाँ पे साफ पता चल रहा है या तो तुमने कोई हीलिंग टूल यूज़ किया है या तुमने कुछ तो ब्लैक कलर का जो ब्रश टूल है वो यूज़ किया है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये जो निशान है ना, ये जो इस तरीके के साइंस है, ये देखिए, ये ब्रश के निशान है कुछ इस तरीके के, ठीक है। तो ये जो तुमने यूज़ करा है ये साफ शो कर रहा है, ठीक है। इसमें पोस्ट प्रोसेसिंग जो है एक लेवल से ज़्यादा करी गई है, बहुत आगे तक करी गई है, ठीक है। तो इस तरीके की आप किसी भी पिक्चर को फोर्स मत करो पोस्ट प्रोसेसिंग के थ्रू कि भाई आपको बनाना ही है उसे अच्छा। अगर नहीं आई है तो एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो देते हैं। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो। इतना इजी नहीं होता है अच्छी फोटोग्राफ क्लिक करना, टाइम लगता है और पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है, जो पेशेंस जो आपको रखना है जब भी आप फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हो, क्योंकि वो एक दिन में चेंज नहीं आएगा। आप करते रहो करते रहो करते रहो, वो धीरे धीरे चेंज आएगा। तो इस टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँगा कि ठीक है, मैंने इस तरीके की फोटोग्राफ बहुत देखे हैं जिसका पोजिशन इस तरीके का, लेकिन ट्राई टू क्लिक मतलब जो तुम्हारे अंदर की फीलिंग्स है, जो तुम्हारे इमोशंस है, जो तुम्हारे वॉइस है। और दूसरा, टेक्निकल पार्ट में मैं बात करूं तो मैं ये बोलूंगा कि हमेशा मैक्सिमम ट्राई करो, अगर आपकी स्टोरी कन्वे हो आप 3:2 में क्रॉप करो इस फ्रेम को। ये जो 3:2 है ना, ये है राइट फ्रेमिंग जो है, ठीक है। ये बड़ी अजीब तरीके की फ्रेमिंग लगती है ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो हमेशा अपनी जो आपको फोटोग्राफ क्रॉप करनी है वो 3:2 में करनी है। तो दिस इज 3:2, ये 3:2 है, क्योंकि जितने भी एग्जीबिशन देखोगे आप इंटरनेशनल, वो हमेशा 3:2 में ही जो फोटोग्राफ हैं या फिर जो प्रिंट्स हैं वो लगाए जाते हैं यहाँ पे। सो आई होप आदित्य आप और इम्प्रूव करोगे और अच्छी फोटोग्राफ सेंड करोगे अगले फीडबैक में। सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फोटोग्राफ है अक्षय का, और अक्षय का भी काइंड ऑफ जस्टा पोजिशन है। गाइज, आई नो कि हमारे इंडिया में हम सब विनीत सर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, या इस तरीके की फोटोग्राफ हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, लेकिन जस्टा इज़ लाइक समथिंग विच इज़ जो उनका स्टाइल है, जो उनका वॉइस है, जो उन्हें पसंद है, ठीक है। हमें अपना वॉइस फाइंड करना है, ठीक है, इट्स गुड, स्टार्टिंग में सब करते हैं, मगर ये नहीं है कि आप उसको अपने माइंड में लेके चलोगे। अब यहाँ पे भी देखो, अगर तुमने आदित्य ध्यान से अक्षय यहाँ पे जो स्टोरी है वो टू बी ऑनेस्ट मैं समझ पा रहा हूँ कि तुमने यहाँ से दिखाया कि ये जो धुआं है, ये जो क्लाउड्स है, ये इस पाइप में से निकल रहे हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कुछ इस तरीके से, सही से कन्वे नहीं हो रही है स्टोरी। एस्थेटिकली भी ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, कंपोजिशन भी इसकी इतनी कुछ खास नहीं है, और जो मैं बोलूँगा क्या नाम है, इसके अंदर जो तुम्हारी स्टोरी है वो भी कन्वे नहीं हो पा रही है
कि क्या है, समझ नहीं आ रहा है मतलब किस तरीके से तुमने रीड किया, मतलब बहुत वीक स्टोरी, वीक कंपोजिशन में बोलूंगा। तो मैं बहुत ही जेन्युइन बोल रहा हूँ अक्षय, क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ मैं अच्छा, वाह वाह करूंगा तब नहीं होगी जब मैं तुम्हें जेन्युइन फीडबैक दूंगा, तुम्हारी ग्रोथ तब होगी। तो और इम्प्रूव करो इससे, मतलब ओके ओके भी नहीं बोलूंगा मैं दोस्त, ये कुछ खास प्रोग्राफ सही में नहीं है। सो नेक्स्ट प्रोग्राफ की तरफ चलते हैं, अमन की। ओके, अमन ने ये एक अच्छा शॉट लिया है, बट अमन यहाँ पे क्लाउड्स अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, ये जो क्लाउड्स हैं ये अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, बट ये वाला पार्ट जो है बहुत ज्यादा ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपने ये इस तरीके का इन्वर्टेड वी का यूज किया है फॉर्म टेक्सचर में, इट्स गुड। ह्यूमंस भी थोड़े सेपरेशन में है, इट्स गुड, बट हाँ, बट ठीक है, मतलब तुम इसकी फ्रेमिंग मेरी ख्याल से तुम्हें वर्टिकल करनी चाहिए थी। अगर मैं तुम्हें क्रॉप करके दिखाता हूँ इसे, तो एक सेकंड में इसको क्रॉप करके दिखाता हूँ तुम्हें कि मुझे क्या लगता है इसकी क्रॉपिंग क्या हो सकती थी, मतलब ये किस तरीके से फ्रेम किया जा सकता था। हम इस तरीके से कर सकते हैं अपने फ्रेम को सेट। तुम्हें पहले ही जब आप फ्रेमिंग कर रहे थे अमन, तभी तुम्हें सोचना चाहिए था कि मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तब तुम्हारी स्टोरी कुछ मतलब। अब देखो जो ब्लैंक स्पेस था उधर, वो किसी काम का नहीं था, ये इस तरीके की कंपोजिशन जो है पूरी फेल हो रही है। बट स्टिल मैं यहाँ पे स्टोरी नहीं समझ पा रहा, आप स्टोरी क्या दिखाना चाह रहे हो अमन, मैं स्टोरी बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप और क्लिक करो, और अच्छी फोटोग्राफ क्लिक करो, तो और इम्प्रूव होगा अमन। मैं गाइस फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं काफी एकदम जेन्युइनली रेस्पॉन्स कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे किसी को, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं होगा तब तक आप इम्प्रूव नहीं करोगे। सो नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं, ये भी अमन की फोटोग्राफ है, लेकिन ये अमन सिंह की फोटोग्राफ है झारखंड से, और इनका शायद मैं इंस्टा आईडी भी जानता हूँ, जहाँ लॉस्ट फोटोग्राफर करके इनका इंस्टा आईडी है, और इस ये बहुत फेमस फोटोग्राफ है, मतलब इनकी वन ऑफ द फेमस फोटोग्राफ है ये, और काफी अच्छी फोटोग्राफ है, इट्स ए गुड, वेरी गुड इमेज, मुझे काफी पसंद है इमेज। मतलब इस तरीके की सिचुएशन मैं बोलूंगा कि बहुत कम होती है, यही सस्पेंसेस हैं, यही वो टाइनी मोमेंट्स हैं जो हमें पकड़नी है स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर। मतलब ये जो लिजर्ड है जिस तरीके से, मतलब इट्स टू गुड, आई लव दिस इमेज, बहुत अच्छी इमेज है मन ये, और मतलब काफी अच्छी इमेज है। पोस्ट प्रोसेस भी काफी प्यारा किया गया है, अंधेरा था शायद इसीलिए घर के अंदर है, लाइट अच्छी नहीं थी, ग्रीन से पता चल रहा है, तो इसलिए तुमने ब्लैक एंड व्हाइट चूज किया है। और स्टोरी जो है वो भी मैं मतलब एक बहुत ब्यूटीफुल इमेज है, ऐसा मतलब एक होता है ना कि कुछ अलग देखने का, तो वो एकदम फ्रेशनेस जो है इस फोटोग्राफ में देखने को मिलती है, तो इट्स वेरी वेरी गुड इमेज अमन। और नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं, दीप्रो विश्वास की है, ये कोलकाता से हैं, और मैं दीप आपको ये बोलूंगा इट्स ए गुड इमेज, आपने काफी अच्छा ट्राई किया है लेयर्स को बनाने का, जिस तरीके से आपने लेयर्स को कनेक्ट किया है, तो मैं समझ पा रहा हूँ जिस तरीके से आपको लेयर्स के थोड़ा नॉलेज हो गया है। बट मैं बोलूंगा कि दीप, अगर आपकी आप लेयर्स बना रहे हो, ठीक है, उसके बाद भी अगर आपकी उसमें स्टोरी नहीं है ना, मतलब आप कन्वे क्या करना चाह रहे हो, तो वो किसी काम का नहीं। और दूसरा, मैं इसकी क्रॉपिंग पे, इसका क्रॉपिंग थोड़ा और अच्छा हो सकता है, दिस इज मच बेटर, पहले से ज्यादा अच्छा है ये, ठीक है, क्योंकि पहले इधर जो स्पेस था वो काफी नेगेटिव स्पेस लग रहा था इस साइड में, अब मैंने वो क्रॉप कर दिया, तो ये ज्यादा बेटर है एज कंपेरिजन टू पहले की। तो मैं यहाँ पे लेयर्स अच्छी तरह कनेक्ट करी है आपने, बट स्टोरी नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, दीप मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या स्टोरी शो करना चाह रहे हैं आप, ठीक है बंदे ना, बहुत नॉर्मल मूवमेंट है, सो ट्राई टू फाइंड समथिंग मोर यूनिक ना, तो उससे आपका फ्रेम जो है और ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, हम गौरव तिवारी वाराणसी से हैं। गौरव, मैंने आपकी सारी फोटोग्राफ देखी, उसमें से मुझे ये चूज करी जो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, आपकी रिव्यू करने के लायक है, बट मैं बोलूंगा कि इट्स ए गुड इमेज। अगर आप स्टार्टिंग में दिखा रहे हो तीन इस तरीके का जो एक फॉर्मेशन कर रहे हो आप, थ्री प्रोज से और ये जो बैम्बूज है तीन, बट स्टिल व्हाट यू वांट टू शो एज, ग्राफिकली भी ये इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं इसको बोलूँ, मतलब काफी ज्यादा ब्लैंक फ्रेम में बोलूंगा इसे, मतलब कुछ स्टोरी कन्वे नहीं हो रही है, तो इट्स ए मतलब और खींचो भाई, और मेहनत की जरूरत है अभी तुम्हें गौरव। सो नेक्स्ट प्रोग्राफ की तरफ चलते हैं, हमारी राजा राजवंशी की प्रोग्राफ की तरफ, इट्स ए गुड इमेज, बट बिट ऑफ मेरे को लगता है कि यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग थोड़ी ज्यादा करी है राजा तुमने, बट इट्स ए गुड इमेज, मतलब ये जिस तरीके से तुमने वी फॉर्म यूज किया है ना यहाँ पे ये जो वी फॉर्म है, ठीक है, इसने इसे अच्छा का बनाया है काफी, अच्छा मेरा आईज इसके वे में जा रही है,
हमारा सब्जेक्ट भी काफी ज्यादा मिडल में है, तो विच इज गुड। ठीक है, क्लाउड्स में मुझे हल्की सी पोस्ट प्रोसेसिंग ज्यादा लग रही है कि तुमने पोस्ट प्रोसेसिंग थोड़ा ज्यादा करी है, मे बी तुम रेगुराई सर से इन्फ्लुएंस हो उनकी पोस्ट प्रोसेसिंग से। हाँ बट गुड ट्राई, बट ट्राई टू फाइंड सम मोर यूनिक मूवमेंट्स। ये बहुत कॉमन मूवमेंट है बट और अच्छा मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो, इट्स ए गुड इमेज। राजा नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं हम। सो गाइस ये जो फोटोग्राफ है ये साई की फोटोग्राफ है, साई विष्णु, और मैंने इनका बायो पढ़ा। सो बेसिकली ये काफ़ी अभी छोटी एज के, आई थिंक मे बी 10th 11th के अराउंड किसी एज में है ये। ठीक है, और ये साई अभी आप बहुत छोटे हो और आपकी फोटोग्राफ से वो पता चल रहा है अभी आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, बट इट्स ए गुड मोमेंट, कीप क्लिकिंग, खींचते रहो खींचते रहो। मैंने जान कर के तुम्हारा जो फ्रेम है इस वीडियो में रखा, मेरे को मैसेज देना था कि साई हमेशा ध्यान रखना कि एक ही चीज़ है जो तुम्हारे को ग्रोथ कर सकती है, वो है तुम्हारी मेहनत। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना इम्प्रूव करोगे। अच्छे फोटोग्राफर्स का काम देखो और अच्छा काम करो, चाहे फ़ोन हो चाहे कैमरा हो कुछ भी हो उससे क्लिक करो। ठीक है, बट इट्स ए वेरी, इस इमेज के बारे में अगर मैं बोलूँ तो टू बी ऑनेस्ट ये वर्क नहीं करती है साई, बहुत मेहनत की ज़रूरत है तुम्हारे। इधर स्पेसिंग किसी काम की नहीं है, पोस्ट प्रोसेसिंग भी बहुत ख़राब करी गई है। तो साई वर्क हार्ड, अच्छा काम देखते रहो, फोटोग्राफ क्लिक करते रहो, धीरे धीरे एक दो साल बाद तुम्हारी इम्प्रोवाइजेशन खुद ब खुद हो जाएगी। सो कीप क्लिकिंग साई, अभी तुम बहुत छोटे हो, धीरे धीरे इंप्रूव होगा चीज़ें। सो नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं। ये सत्यजीत दे की है, और सत्यजीत दे का भी मैंने प्रोफाइल पढ़ा, और ब्रदर मैं ये बात बोलूँगा कि इट्स ए मतलब कीप क्लिकिंग। मैंने देखा तुम्हारी सारी फोटोग्राफ देखी, और एक चीज़ है जो मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा सत्यजीत की, डोंट डू ओवर प्रोसेसिंग। तुम बहुत ओवर प्रोसेसिंग करते हो, मतलब तुम्हारे कलर्स इतने ज़्यादा सेचुरेट थे मैंने हर फोटोग्राफ में देखा। इस फोटोग्राफ में भी ये मुझे अच्छी लगी, बट इसमें भी सेचुरेशन बहुत ज़्यादा है। ग्रास का आपने बहुत ज़्यादा कलर जो है वो सेचुरेशन बढ़ाया, ग्रीन किया है। स्काई ठीक है बट ग्रास बहुत ज़्यादा ग्रीन लग रही है मुझे, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ मैं, पता चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और मतलब यहाँ पे भी ठीक है, तो आपने काउ को फ्रेम में किया है, बट स्टिल मेरे मतलब ग्राफिकली भी ठीक है, इट्स ए गुड इमेज, बट स्टिल थोड़ी सी स्टोरी जो है मुझे मिसिंग लगी यहाँ पे। मतलब थोड़ी क्या स्टोरी मिसिंग है यहाँ पे, मुझे समझ नहीं पा रहा आप क्या करना चाह रहे हैं। याद रखिए कि आप कभी भी कोई फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो उसमें स्टोरी कन्वे जरूर होनी चाहिए, आपकी स्टोरी आप क्या करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज, वो हम उन फोटोग्राफ को ज़्यादा शो करते हैं जो यूनिक मोमेंट्स होती हैं। अब आप जिस भी फोटोग्राफ को क्लिक करें उसे देखिए ना कि उसमें क्या यूनिक मोमेंट है। जैसे कि अमन की ये फोटोग्राफ है, अमन सिंह की, इट्स ए वेरी यूनिक मोमेंट। ये बहुत कम लोगों को इस तरीके का मूवमेंट मिलता है, इसलिए इनका ये फोटोग्राफ जो है एक स्टैंड आउट करता है हर फोटोग्राफ के बीच में। तो उस यूनिक मूवमेंट को फाइंड कीजिए आप। ठीक है, ये बहुत कॉमन इमेज है, कोई भी क्लिक कर सकता है कहीं पे भी जाके सत्यजीत दे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि यार दोस्त और हार्डवर्क करो और काम करो। सो नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं। ये वैभव की फोटोग्राफ है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग वैभव ये आपका मुंबई का फोटोग्राफ है। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं इस फोटोग्राफ को देखूं तो इट्स ए गुड इमेज, बट स्टिल यहाँ पे कंपोजिशन का बहुत ज़्यादा इशू है। ये आपका ये पूरा ये ऐसा लाइन टेढ़ा जा रहा है, और आप इस टेढ़े से एंगल से खड़े हो तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है दोस्त। और आपको बिल्कुल मिड में होना चाहिए था, एक प्रॉपर बैलेंसिंग बना सकते थे आप। मुझे अच्छा लग रहा है जिस तरीके से आपने स्टोरी कन्वे की करने की कोशिश करी है यहाँ पे। ये दो कपल्स बैठे हैं और ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं, तो एक आपने कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने की कोशिश करी है, एक स्टोरी का एक लव एंगल जो दिखाने की कोशिश करी है कि वो दोनों, ये दोनों जो पिजन है वो अलग हो गए और ये यहाँ पे मतलब अपने ऐसा जो लव का साइन को शो कर रहे हैं। बट आप इस तरीके की जब भी स्टोरी क्रिएट करते हैं तो आप कंपोजिशन बहुत अच्छी, क्योंकि आपका कंपोजिशन ही आपकी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग करता है। सो अच्छे फोटोग्राफ है, इट्स ए गुड वन इमेज, और मेहनत कीजिए। सो गाइस ये थे कुछ फोटोग्राफ जो मुझे लगा कि आप सबको दिखाने चाहिए, और जो भी मैंने बात बोली है गाइस मैंने बहुत जेन्युइनली रिप्लाई किया है हर फोटोग्राफर का। और जिनकी फोटोग्राफ नहीं आती है मैं उनको दोबारा मैं अपने दिल से बोलता हूँ कि यार आई एम रियली सॉरी, बट आप अभी मेहनत और कीजिए ताकि आपका काम और इम्प्रूव हो पाए। सो गाइस मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, अगर आपकी फोटोग्राफ इस वीडियो में सेलेक्ट हुई है तो आप उस पोर्शन को जिसमें मैं आपकी फोटोग्राफ रिव्यू कर रहा हूँ उसे कट करके अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में मेंशन कीजिए ताकि मैं आप सबकी प्रोफाइल देख पाऊँ। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी। और गाइस जिन फोटोग्राफर्स की फोटोग्राफ सेलेक्ट नहीं हुई है तो वो ज़्यादा निराश ना हो और डिमोरलाइज ना हो, वो अगले सेशन का वेट करें और मेहनत करें और अच्छी फोटोग्राफ क्लिक करें फिर मुझे भेजें, हो सकता है अगले सेशन में आप सेलेक्ट हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।